नमस्ते, आप देख रहे हैं SMP झारखंड। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। जो हकीकत है वो दिखेगा, खबर आप तक जीरो ग्राउंड से। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आप सभी को पता है चालान ऑनलाइन 1 जनवरी से लागू हुआ था। ये जो कैमरे लगे हुए हैं, इन कैमरों के द्वारा चालान काटा जा रहा है। वो क्यों कट रहा है आप सभी को पता है, और बहुत लोगों को इस बारे में पता नहीं है, तो मैं आज फिर से रिपीट कर दूंगा इस विजुअल के माध्यम से। हम बता रहे थे आपको कि ये फाइन क्यों कट रहा है, तो आप देख सकते हैं अभी तकरीबन 4-5 गाड़ियां जेब्रा क्रॉसिंग के आगे आकर के लगी हुई हैं। तो यदि आप जेब्रा क्रॉसिंग के आगे अपने वाहन को लगाते हैं, स्टॉप लैंप होने के बाद, रेड सिग्नल होने के बावजूद भी आप गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। इस जेब्रा क्रॉसिंग से अपने वाहन को आगे आप बढ़ाते हैं तो आपका चालान कट जाएगा, गाड़ी का फाइन कट जाएगा, जो कि 100 रुपये है। लेकिन ये 100 रुपये भी हानिकारक है। 1-2 तक ठीक है, लेकिन तीसरा बार कटेगा तो हो सकता है कि आपका लाइसेंस भी रद्द हो जाए। तो आप इस चीजों पर ध्यान रखें। यदि आपका फाइन गाड़ी का कट गया है, चालान कट गया है सिग्नल तोड़ने का, तो आपको ऑनलाइन भी अब पेमेंट जमा करने का सुविधा मुहैया करा दिया गया है। वो साइट क्या है हम आपको इसी विजुअल में दिखा देते हैं। हम बार बार इस विजुअल को रिपीट करेंगे कि वो कौन सा साइड है कि जहां आप अपने फाइन को जमा कर सकते हैं। तो आप देखें, सिग्नल होने के बावजूद, रेड सिग्नल होने के बावजूद भी ये गाड़ी कितनी आगे जाकर के लगी हुई है। तो ये गलती यदि आप करते हैं तो आपका फाइन कटता है, आपका चालान कटता है। स्टॉप क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे। यदि ये रेड सिग्नल हो जाता है, मैं आपको दिखा दूं फिर से, ये रेड सिग्नल अभी येलो हो गया है, येलो पे रुक जाना है और ग्रीन पे बढ़ जाना है। तो इस चीज को आप हर हमेशा ध्यान रखें। यदि आप टाउन में चल रहे हैं, यदि यहाँ जहां भी ये सिग्नल काम कर रहे हैं, जहां भी ये सिग्नल काम कर रहा है, वहां पे आप खास ध्यान रखें कि सिग्नल का अवहेलना ना करें, सिग्नल ना तोड़ें, अन्यथा आपका फाइन कटेगा। तो यदि फाइन कटता है तो आपको, अभी शुरू किया गया है ऑनलाइन भी आप अपने गाड़ी का पेमेंट फाइन जमा कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ग्रीन है, जिधर का सिग्नल दिया गया है आप उधर जा सकते हैं। जैसे ही ये येलो होता है आपको रुक जाना है, क्योंकि इसको रेड होने में कुछ ही वक्त लगता है। जैसे रेड हो गया आप देखें, तो आप यदि रुक जाएंगे तो आपका फाइन नहीं कटेगा, और यदि आप नहीं रुकते हैं तो आपका फाइन कटेगा। तो ये सब गलतियां आप ना करें। अभी भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन 6 महीने बीत गए हैं, इस चीज को कोई भी समझने को तैयार नहीं है, उनका लगातार फाइन कट रहा है। तो आप इस साइट में जाकर के चेक भी कर सकते हैं कि हमारा फाइन कटा है या नहीं कटा है। आप लोगों को पता है कि हमें कहाँ रुकना है? 6 महीने बीत गए। हाँ पता है। कहाँ रुकना है? मतलब अंडरलाइन बनाया हुआ है, मतलब जेब क्रॉसर के। यहाँ तो नहीं है लेकिन ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। आप देखें, गौर से देखें आप, बिल्कुल दिया गया है। तो पीछे है, बहुत पीछे है। तो इन सब चीजों पे आप ध्यान नहीं रखेंगे, आपका पता है ना आपको फाइन कट रहा है इसका। तो या तो लोग गलतियां जानबूझ के भी करते हैं या अनजाने में भी हो रहा है, लेकिन अनजाने तो आप नहीं बोल सकते हैं कि अनजाने में हो रहा है। तकरीबन 6 महीने बीत गए हैं। आप देखें बाकी गाड़ियां कहां लगी हुई थी और ये लोग आगे बढ़ के लगाए हुए थे। तो ऐसी गलती आप करेंगे तो आपका फाइन कटेगा। तो ये गलती हम तकरीबन ये 6 महीने बाद ये विजुअल हम बना रहे हैं फिर से आपको याद दिलाने के लिए,
कि ये गलती आप ना करें, जेब्रा क्रॉसिंग का अवहेलना ना करें। यदि सिग्नल आपका नहीं है तो ये जो स्टॉप लाइट जेब्रा क्रॉसिंग के पहले बनाया गया है, स्टॉप क्लियर लिखा हुआ है, आप अपनी वाहन को रोक दें तो आपका फाइन नहीं कटेगा। यदि आप बढ़ जाते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये आगे बढ़े हुए हैं, तो ऐसे में आपका फाइन इन कैमरों के द्वारा, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, इन कैमरों के द्वारा आपका फाइन कट जाएगा। एक और कमी जो हमें दिख रहा है, पब्लिक ने भी बताया इस बात को कि कहीं कहीं ये सिग्नल काम नहीं कर रहा है, तो आप यहां भी देख सकते हैं ये सिग्नल काम नहीं कर रहा है। जो जेब्रा क्रॉसिंग पे, जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाया जाता है वो हम आपको बता दें, ये लाइट एक्चुअल उसी के लगा हुआ है। पैदल यात्री जो हैं, जो गाड़ियां रुकती हैं, तो ये पार करने के लिए बनाया गया है कि यदि जेब्रा क्रॉसिंग से पहले आप अपनी वाहन को रोकते हैं तो जो पैदल यात्री चल रहे हैं वो, उनको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है और उतना ही देर में पैदल चलने वाले पार कर जाएं। लेकिन कहीं कहीं ये लाइट काम अभी नहीं कर रहा है। हम इसी विजुअल में आपको बताते चले कि कुछ कुछ संस्थाएं जो हैं, जो भी ट्रैफिक पोस्ट में जवान लगे हुए हैं उनके हेल्प के लिए, गर्मी काफ़ी है रांची में, वो तत्पर रहते हैं। आप देखें संस्था, कोई संस्था से, किस संस्था से हैं हम आइए इनसे जानते हैं। सेवा परमो धर्म, उसको लेकर के हर व्यक्ति को ऐसे आगे बढ़ के आना चाहिए, हम आइए इनसे जानते हैं। जी बताएं। जितने ट्रैफिक पुलिस के पोस्ट है सब जगह आज हम लोगों ने घूम घूम करके लीची जूस सब पुलिस के जवानों को, PCR के जवानों को सबको पिलाया है ताकि गर्मी से इनको राहत मिल सके थोड़ी। ऐसे क्या और भी लोगों को आगे आना चाहिए? एकदम जरूर, समाज के लोगों को आगे आना चाहिए ताकि लोगों को मदद मिल सके। तो अब दूसरे हम चौक पे आ चुके हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ भी वही स्थिति है। जेब्रा क्रॉसिंग के बाद गाड़ियाँ लगती हैं और फाइन कटता है। और इस पर आपको हम एक चीज़ और बताते चलें कि यदि जेब्रा क्रॉसिंग, यदि आप सिग्नल का अवहेलना करते हैं तो इसमें लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान हो गया है। तो जाए तो ये गलती आप ना करें, जेब्रा क्रॉसिंग जो बनाया गया है उससे पहले आप गाड़ी को अपना रोकें। गाड़ी आपकी जेब्रा क्रॉसिंग के पहले रुक जाती है तो आपका फाइन नहीं कटेगा, आप पे कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, वैसा कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको हम फिर से साइड दिखा देते हैं कि यदि आपका फाइन कट गया या नहीं कटा है तो आप किस साइड पे जा करके, इस साइड पे जा करके अपनी गाड़ी का नंबर टाइप करेंगे तो मालूम चलेगा आपको कि आपका फाइन कटा है कि नहीं कटा है। यदि कटा हो तो ऑनलाइन आप पेमेंट, जो आपका फाइन दिखा रहा है वो आप जमा कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इस साइट के माध्यम से आप अपना फाइन जमा कर सकते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि आप सिग्नल का अवहेलना यदि 3 बार से ज़्यादा करते हैं तो प्रशासन के आला अधिकारी के द्वारा आपका लाइसेंस रद्द करने को DTO को पत्र लिखा जाएगा, पत्र लिखा जाएगा कि इनके लाइसेंस इनका रद्द किया जाए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप ट्रैफिक का अवहेलना, खास करके सिग्नल का अवहेलना ना करें, स्टॉप लाइन पे ही अपने वाहन को खड़ा करें और हर हमेशा, खास करके जहां ये सिग्नल काम कर रहे हैं वहां पे आप ध्यान रखें कि ये जेब्रा क्रॉसिंग आप पार ना करें जब तक आपका सिग्नल क्लियर ना हो। एक चीज़ हम और बताते चलें, कोई भी त्यौहार हो हम हेलमेट अनिवार्य नहीं समझते हैं कि आज हमारा त्यौहार है तो हम हेलमेट नहीं पहने, वो आपके सेफ्टी के लिए है, आपके सुरक्षा के लिए है, आप हेलमेट जरूर लगाएं, अन्यथा उसके भुक्त भोगी आप होंगे, जीवन अनमोल है। हम आपको फिर से विजुअल दिखा देते हैं कि ये कौन सा साइड है कि आप अपना फाइन जमा कर सकते हैं, ये रहा साइड, आप इस साइड के माध्यम से जा करके आप अपना फाइन जमा कर सकते हैं या आपका चालान कटा है कि नहीं कटा है आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि जो कैमरा के द्वारा चालान कट रहा है, फाइन कट रहा है सिग्नल उल्लंघन का, उसको लेकर के ये साइट बनाया गया है। तो आप जरूर देखें इस विजुअल को और अपना ख्याल रखें, रोड पे चलने वक्त हर हमेशा ध्यान रखें कि हम सिग्नल का अवहेलना ना करें, हेलमेट जरूर पहने, ट्रैफिक रूल अपनाएं। धन्यवाद।